नमस्कार दोस्तों, टाइम न्यूज 24 यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। अभी करैल विधानसभा में उपचुनाव होना है, 20 तारीख को वोटिंग है और अभी हमारे साथ एटा के सांसद देवेश साकिया जी मौजूद हैं और यहां पर जनसभा कर रहे थे। जानते हैं क्या करैल का चुनाव कैसा है? नमस्ते। नमस्ते, आप करैल में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, कैसा माहौल है करैल का? करैल का माहौल क्या, ये तो ये धरती ही धरती पुत्र के नाम से जाने वाले श्रद्धेय मुलायम सिंह जी की है और जब उनके नाती यहाँ से लड़ रहे हैं तो कुछ कहने की बात ही नहीं है। 1 लाख से ज़्यादा की जीत होगी यहाँ पे और सभी जात धर्मों के लोग समाजवादी पार्टी पर आस्था जता रहे हैं और इस बार तेजू को यहाँ से 1 लाख से अधिक वोटों से। क्या मुद्दे हैं समाजवादी पार्टी के? ये मुद्दों का चुनाव नहीं है, मुद्दे तो झूठ को परास्त करने के हैं और जो विकास श्रद्धेय नेताजी ने यहाँ पे कराया है तो मुझे मुद्दों का चुनाव नहीं है, ये चुनाव केवल विरासत का है और विरासत इस बार तेजू भैया को मिलने वाली है। तो समाजवादी पार्टी यहाँ से आप कह रहे हैं कि 1 लाख वोटों से जीतेगी, और 9 सीटों की बात करें? पूरे 9 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है। समाजवादी पार्टी की लोकप्रियता को देखते हुए जो चुनाव 13 तारीख को होने थे, एक षड्यंत्र के तहत अब वो टाइम बढ़ाकर उसको 20 तारीख किया गया है। कहीं ना कहीं बीजेपी की इसमें सोची समझी रणनीति है, लेकिन इससे कुछ भला होने वाला नहीं है भारतीय जनता पार्टी का। और 9 की 9 सीटों पर इस बार समाजवादी पार्टी परचम ले रही है। तारीख का बदलाव हुआ है तो आपका कहने का मतलब है बीजेपी की चाल है? बिल्कुल, ये तो शायद पहली बार ऐसा हो रहा है तो और कैसा, कोई रीजन भी नहीं था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हम लोग घबराने वाले लोग नहीं है। समाजवादी पार्टी इस बार 9 की 9 सीटों पर चुनाव जीतेगी। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ एटा के सांसद मौजूद थे जिन्होंने बताया समाजवादी पार्टी के करैल विधानसभा उपचुनाव में क्या रहने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद।